गुड मॉर्निंग छात्रों, आज हम आपको DLED फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस में जीव विज्ञान पढ़ाने चल रहे हैं। जीव विज्ञान में हम वनस्पति जगत के अंतर्गत आपको आज जो है पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग आपको बताएंगे कि पौधों के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पत्ती होते हैं, तिनका रूपांतरण कैसे होगा और इनका उपयोग हमारे जीवन में कैसे होता है। तो हम सबसे पहले आपको जड़ों के रूपांतरण में सबसे पहला है पौधों के विभिन्न भागों का जो रूपांतरण है, फर्स्ट जड़ों में रूपांतरण, सेकंड तने में रूपांतरण और थर्ड है पत्ती में रूपांतरण। तो छात्रों, जो जड़ों में रूपांतरण है इसमें आपकी जड़ में दो जड़ें आपकी मेन होती हैं, एक मूसला जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़ होती हैं। तो मूसला जड़ जो होती है के रूपांतरण में कुछ पौधे जैसे मूली, सलजम, गाजर आदि की प्राथमिक जड़ में भोजन एकत्रित होकर के एकत्रित होने के कारण उनकी जड़ें फूल जाती हैं और यह मूसला जड़ के प्राथमिक जड़ के रूपांतरण का उदाहरण है। मतलब कि जैसे गाजर, मूली, सलजम यह मूसला जड़ के प्राथमिक जड़ का रूपांतरण है। आप कह सकते हैं कि जैसे कि मूली का यूज हम लोग सब्जियों के रूप में करते हैं, गाजर का उपयोग सब्जियों के रूप में करते हैं और सलजम का भी उपयोग हम सब्जियों के रूप में करते हैं। ये तो इनका उपयोग हुआ कि गाजर, मूली और सलजम, और इनका जो भाग है जैसे जड़ का जो भाग है, क्योंकि इसमें एक जड़ मेन होती है जो प्राथमिक जड़ है और प्राथमिक जड़ एक तरीके से यह अगर आपको देखा जाए तो मूसला जड़ की जो उदाहरण है आपके मूसला जड़ में आपके जो उदाहरण है जैसे मूली, सलजम, गाजर, तो इनके जो भाग हैं वह भोजन को एकत्र करके फूल जाते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो जो आपका मूली है वह आपका तर्क रूपी होता है, गाजर आपका शंकु रूपी होता है। अब यहाँ पे जो आप मूसला जड़ के जो प्रकार हैं छात्रों वो तीन होता है, आपका तर्क रूपी, शंकु रूपी और कुंभी रूपी। तो जो तर्क रूपी है उसका जो उदाहरण है वो मूली होता है और शंकु रूपी आपका गाजर होता है और ये, और कुंभी रूपी में आपका जो है सलजम और कह सकते हैं चुकंदर। तो छात्रों, शंकु रूपी, तर्क रूपी और कुंभी रूपी का जो उदाहरण है मूली, गाजर और सलजम, चुकंदर हैं। अब इनमें हम आपको तर्क रूपी का जो परिभाषा है वो आपका है कि मूली में मूसला जड़ भोजन का रूपांतरण संग्रहण करके तर्क जैसी संरचना बना लेती है जो मध्य में फूली हुई तथा किनारों पे पतली होती है। तो यह आपका तर्क रूपी जो बनाता है वो मध्य में फूला हुआ और किनारे किनारे जो है पतला होता है। जैसे अगर दिखाया जाए तो आपका इस तरीके से ये पतला और बीच में क्या ऐसे आपका इस तरीके से ये भाग जो है मूली का हो जाता है। अब यहाँ पे इस तरीके से आपका जो इस तरीके से पत्तियों का जो रूपांतरण है ये चीज़ हो जाता है। तो ये आपका तर्क रूपी है, जो मूली का तर्क रूपी उदाहरण दिए हैं कि यह मूली जो है भोजन को एकत्र करके वह अपने भाग को फुला लेती है, फूल जाता है और इसमें किनारे का जो भाग है वो आपके पतले और बीच का जो है आपका भाग मोटा होने लगता है। और जब ये आपका मोटा भाग है और ये पतला और ये भी पतला, तो ये आपका एक तर्क का आकार देता है। मूली जो तर्क रूपी होता है वह तर्क का आकार देता है।
अब गाजर की बात आई तो वह शंकु के रूप में होता है, तो जो गाजर की परिभाषा है वो गाजर में मूसला जड़ भोजन का संग्रहण करके शंकु रूपी संरचना बना लेते हैं जो ऊपर की ओर मोटी तथा नीचे की ओर पतली होती है। तो यहाँ पे जो गाजर है ऊपर की ओर मोटी, एक शंकु ऊपर की ओर थोड़ा सा ऐसी मोटा और नीचे की ओर बिल्कुल इस तरीके से पतला, ये आपका गाजर का जो स्ट्रक्चर हो गया कि ये गाजर। तो यहाँ ऊपर की ओर मोटा और नीचे की ओर पतला जो भाग दिखाई देता है, और यह एक शंकु बनाता है, शंकु के आकार का होता है। और तीसरा जो है कुंभ रूपी शलजम है, तो कुंभ रूपी में शलजम आता है और शलजम का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से आपका बिल्कुल घड़े के आकार का, घड़े के आकार का और नीचे जाकर के इस तरीके से हो जाता है। ये आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर जो पत्तियां बनी होती हैं ये क्या है, शलजम। तो शलजम का उदाहरण है, शलजम का जो आकार होता है घड़े एक मटके के आकार का होता है, ऊपर की ओर मटका और नीचे की ओर पतला होगा, एक मटके के जैसा होता है, घड़े के आकार का होता है। ये छात्रों जड़ों में रूपांतरण का हमने उपयोग आपको बताया कि जड़ जो होता है आपके जड़ों में जैसे गाजर मूली शलजम ये सब की जड़ें हम लोग खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो अब जैसे गाजर से विटामिन ए भी प्राप्त होता है अगर देखा जाए, शलजम से भी आपके विटामिन ए का कोटा पूरा और विटामिन सी का पूरा करता है। तो अब यहाँ जो दिखाया जा रहा है तो आपको तर्क रूपी शंकु रूपी और कुंभी रूपी आपको दिखा दिए। तो छात्रों अब ये हमने आपको जड़ों का रूपांतरण बताया, और जड़ में मूसला जड़ होती है और अपस्थानिक जड़ होते हैं। अब हमने अभी केवल मूसला जड़ का रूपांतरण बताया और उसका उपयोग बताया, अब हम नेक्स्ट पॉइंट है अपस्थानिक, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। तो अपस्थानिक जो जड़ों का रूपांतरण है, अपस्थानिक जड़ें भी पुलकित व कंदिल रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। तो पुलकित व कंदिल, कंदिल रूप में रूपांतरित होती है और रूपांतरित हो जाती है। इनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। डहेलिया की अपस्थानिक जड़ें पुलकित रूप में और शकरकंद की अपस्थानिक जड़ें कंदिल रूप में। तो यहाँ पे शकरकंद जो है, शकरकंद जो शकरकंद होती है उसकी जड़ें जो है कंदिल रूप में रूपांतरित होती है, और डहेलिया, डहेलिया जो डहेलिया है वो पुलकित रूप में उसकी जड़ें रूपांतरित होती है। छात्रों अब इसमें आगे है कि गन्ना बरगद मक्का सिंघाड़ा बांस आदि की जड़ें विशेष रूप से रूपांतरित होकर के तनों को सहारा देती हैं। जैसे गन्ना है मक्का है ये सब जो है अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण है। अगर देखा जाए तो गन्ना मक्का बांस ये सब आपके अपस्थानिक जड़ों के जो रूपांतरण है ये भूमि में पौधों को जो है एक तरीके से सहारा प्रदान करने के लिए उपयोगी होते हैं। अगर देखा जाए चाहे बांस हो चाहे गन्ना हो चाहे मक्का, इनकी जड़ें जो है मिट्टी के नीचे बहुत नहीं जाती हैं, ऊपरी परत पे वो रहती हैं और फैल करके रहती हैं, और वे एक तरीके से जो जड़ होती है वो पौधों को खड़े रहने में सहारा देती है और उसका विकास कराती है। छात्रों अब ये दूसरे के बाद अब आता है थर्ड पॉइंट, तनों का रूपांतरण। अभी हमने आपको दूसरा है तने का रूपांतरण। तो छात्रों अब हम आपको तनों का रूपांतरण बताने चल रहे हैं। अभी तक हमने जड़ का रूपांतरण बताया था। तनों का रूपांतरण में आपके पौधों के तनों में पौधों की विशिष्ट परिस्थिति के अनुरूप रूपांतरण होता है। अब देखना पड़ेगा कि जो तना है वो जड़ के हिसाब से अलग है, तो उनके विशिष्ट जब परिस्थिति आएगी तो कैसे रूपांतरण होगा। जैसे आलू के भूमिगत तनों में भोजन एकत्रित होकर के फूल जाता है,
अब आप खुद समझ सकते हैं कि आलू जो होता है वह तने से प्राप्त होता है। तना कितना महत्वपूर्ण है। अब उसका तना जो है भोजन एकत्रित करके फूल जाता है जो आलू बन जाता है। अब यहाँ पे जो आलू बनेगा तो यहाँ पे जिसे स्तंभ कंद कहते हैं वह भोजन एकत्रित करके जब फूलता है तो उसको स्तंभ कंद कहते हैं, क्योंकि वह जमीन के स्तंभ से जुड़ा होता है। इसी प्रकार अदरक है, अरवी है, आदि तने के भूमिगत रूपांतरण का उदाहरण है। आलू के अलावा अदरक, अरवी, ये सब क्या है कि जैसे आलू तने जा आलू जैसे पैदा होता है तने के द्वारा, वैसे अदरक और अरवी भी वह एक तने के द्वारा ही रूपांतरित होता है। वो कैसे रूपांतरित होगा, वह भोजन को संग्रह करके फूल जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि इनका उपयोग भी मनुष्य सब्जियों व भोज्य पदार्थों के रूप में करता है। वो चाहे आलू हो, चाहे अदरक हो, चाहे क्या कहते हैं अरवी है, उसका सब्जियों और भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग करता है। हम आपको उपयोगिता बता रहे हैं, इसका महत्व और उपयोगिता क्या है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, आलू तो सब्जी के रूप में यूज किया जा रहा है, अदरक जो होता है वो आपके अलग भोज्य पदार्थों में भी किया जाता है। अगर देखा जाए कि सब्जियों में भी, चाय में भी इसका उपयोग करते हैं, और कुछ दवाओं के रूप में भी जो अदरक उपयोग किए जाते हैं, और अरवी भी भोजन के रूप में और सब्जियों के रूप में ही उसका उपयोग किया जाता है। तो छात्रों, ये हम तनों का जो रूपांतरण बता रहे हैं, ये आपको जड़ के जैसा ही महत्वपूर्ण भाग है पौधे का। अब तने के अर्धवायवीय रूपांतरण जो पहला है वो तने के अर्धवायवीय रूपांतरण। तो तने के जो अर्धवायवीय रूपांतरण है उसमें आपके मेनली जो है कह सकते हैं कि इसमें तने की शाखाएं चार प्रकार की होती हैं। इसमें तने की जो शाखाएं हैं वो मेनली आपके चार प्रकार की होती हैं, चार प्रकार की होती हैं। और चार प्रकार में पहला है भूप्रसारी, दूसरा है भूस्तारी, तीसरा है अंतःभूस्तारी, और चौथा है भूस्तारिका। तो अब यहाँ पे जो भूस्तारिका है, अब भूस्तारिका जो अलग चीज़ है, तो अब यहाँ पे भू प्रसारी तना भूमि पर रेंगते हुए वृद्धि करता है। जो भूप्रसारी है इसमें तना भूमि पर रेंगते हुए वृद्धि करता है। तने की परोसंधियाँ पर अपस्थानिक जड़ें और पत्तियां पाई जाती हैं। यह पृथक होकर के नए पादप का निर्माण करता है। उदाहरण दूब घास है। इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो उदाहरण है वह क्या है, दूब घास। दूब घास है जो कि भूप्रसारी, जो कि यह पृथ्वी के निचले सतह पे, एक तरीके पृथ्वी के ऊपरी सतह पे, सॉरी ऊपरी सतह पे, वो सरफेस पे रेंगते हुए आगे की तरफ जो है बढ़ता है। ये भूप्रसारी का उदाहरण है। अब अगला है आपके जो भूस्तारी। तो भूस्तारी जो होता है वो मुख्य तने के आधार से पार्श्व शाखाएं निकल करके कुछ वायवीय भाग में वृद्धि करते हैं और भूमि के अंदर चली जाती है और नए पादप का निर्माण कर लेती है। उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी ये आपके कुछ जमीन के अंदर इनकी जड़ें हो जाते हैं, तने हो जाते हैं, और उसके बाद वह आगे कुछ वायु के ऊपर जो है वह विकास करने लगते हैं। अभी जैसे कि अगर हम देखें दूब घास, तो इनका जो तना है वह जमीन को पकड़ के चलता है, जमीन के ऊपरी सतह पे रेंग करके चलता है, और स्ट्रॉबेरी जो है रेंग करके नहीं चलते हैं। यह जो है थोड़ा सा जो भूमि के नीचे और थोड़ा सा वायु के ऊपर भी चलते हैं। तीसरा है अंतःभूस्तारी। तो अंतः जो भूस्तारी है वो मेनली आपका है कि मुख्य तने के आधार भाग से पार्श्व शाखाएं निकल करके भूमि में चली जाती हैं। इनका जो मुख्य भाग है, जैसे मान लीजिए कोई मेन तना है, इसका मुख्य भाग से निकल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ वो चले जाते हैं और पुनः वायवीय होकर के परोसंधि अपस्थानिक जड़ें निकल करके
नए पादप का निर्माण करती है। उदाहरण पुदीना, इसका जो उदाहरण है वो है आपका पुदीना, जो भूस्तरी थोड़ा सा आपके जड़ें जो निकल करके नए पादप का जो है निर्माण करते हैं। तो अगला पॉइंट छात्रों, अभी इसमें हमने आपको तीन पॉइंट बताया और तीन पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भूप्रसारी बताए कि वो इनके तने जो है सरफेस पे रेंग करके चलते हैं, भूस्तरी के तने जो है थोड़ा सा वायुवी में चलते हैं, जो स्ट्रॉबेरी का उदाहरण है, और अंतः भूस्तरी में आपके पुदीना है कि इनकी जड़ें कुछ अंदर और थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जो है विकसित होते हैं। और ये जो हम रूपांतरण बता रहे हैं कि वो जड़ों के से आपके तने में रूपांतरण और तना का जो रूपांतरण है वो आपके अर्धवायवीय रूपांतरण, कैसे आधे वायविक वायु की तरफ जो है रूपांतरित होते हैं। अगला है भूस्तरी का। अब भूस्तरी का जो होता है वो मेनली यह सामान्य जलीय पौधों में पाया जाता है। तना जल में रेंगते हुए वृद्धि करता है। यह ऊपर भूस्तरी जैसी होती है, इनमें शाखाएं छोटी मोटी तथा पर वाली, तो उदाहरण जलकुंभी। इसका जो उदाहरण है वो है जलकुंभी, जलकुंभी। तो ये क्या है कि जल पे रेंगते हुए दिखाई देते हैं, जल पे रेंगते हुए दिखाई देते हैं, और इनको हम जलकुंभी का उदाहरण दिए हैं। तो छात्रों, ये तने जो होते हैं, अभी हमने आलू अरवी अदरक के बारे में बताए कि यह मेनली तौर पे यही रूपांतरित होते हैं, और बाकी अलग से कुछ जो अर्धवायवीय रूपांतरण है वहाँ पे चार प्रकार के जो है रूपांतरण होते हैं, भूप्रसारी, भूस्तरी, अंतःभूस्तरी और भूस्तरी का। तो भूप्रसारी जो जमीन पे जो है रेंग करके चलते हैं तना, और भूस्तरी वे तना जो आपके थोड़ा सा वायु की तरह होते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, और जो भूस्तरी अंतःभूस्तरी वो जड़ थोड़ा सा उनके तने नीचे और कुछ ऊपर की तरफ, और भूस्तरी का ये मेनली जलीय पौधे होते हैं और जल में यह रेंग करके चलते हैं, उदाहरण जलकुंभी। तो छात्रों, अब हम आपको अगला पॉइंट है तने के भूमिगत रूपांतरण, सेकंड, तने के भूमिगत गत रूपांतरण। अभी तक तो आपने वायु की तरह रूपांतरण, जैसे आलू में आपने पढ़ा उसके तने थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे जहाँ पे आलू बनता है, अदरक में भी ऊपर और नीचे दिखाया गया कि पूरी तरीके से वह भोजन को एकत्रित करके फूल जाते हैं, और दूसरा है अर्धवायवीय रूपांतरण जो हमने बताया कि पहला जो तनों के रूपांतरण वो चार प्रकार में बताया, और दूसरा है तने के भूमिगत रूपांतरण। अभी यह वायवी अर्धवायवी रूपांतरण था और दूसरा भूमिगत रूपांतरण है। अब भूमि के अंदर कैसे रूपांतरित होते हैं, तो इनमें तने के भूमिगत भाग भोजन संग्रह करके जो कायिक प्रजनन आदि के लिए रूपांतरित होते हैं। इसमें पहला पॉइंट है प्रकंद, दूसरा है आपका कंद, और तीसरा है मेनली आपका जो है घन कंद और सलक कंद, घन कंद, और चौथा है सलक कंद। तो ये आपका जो तने के भूमिगत रूपांतरण का जो टाइप है, जो प्रकार है, हमने आपको चार बताया, प्रकंद, कंद, घन कंद और सलक कंद। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इसमें ये सब पॉइंट जो है आपके कायिक प्रजनन में सहायता करते हैं। अब जैसे जो प्रकंद की बात आई, तो इसको हम इंग्लिश में राइजोम कहते हैं, और यह मोटा गूदेदार तथा अनियमित आकार का होता है। यह भूमिगत में क्षैतिज वृद्धि करता है, और उदाहरण इसका जो है अदरक है। उदाहरण क्या है? अदरक। ये प्रकंद जो है इसको हम राइजोम कहते हैं, और दूसरा है कंद, या भूमिगत तने की शाखाएं अनियमित वृद्धि करके अंतिम सिरे पर भोजन संग्रह करता है, उदाहरण क्या है? आलू। कंद का उदाहरण आलू, प्रकंद का उदाहरण अदरक, और घन कंद है इसमें मुख्य तना ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है और भोजन का संग्रह करके फूल जाता है,
जैसे जमीकंद, अरबी, केसर, तो यहाँ पे आपका अरबी उदाहरण है, अरबी, इसका एग्जाम्पल अरबी हो गया। अब नेक्स्ट है सलकंद। अब सलकंद का जो उदाहरण है वो लहसुन है। यह मुख्यतः अत्यंत छोटा डिस्क नुमा पार्ट होता है, इसमें सलकी पर्ण पाए जाते हैं। इसके निचले भाग में पस्तानी जड़ें निकलती हैं, जैसे प्याज, प्याज और लहसुन। तो छात्रों, प्याज और लहसुन है जो कि इसके मेन उदाहरण है, और ये निचले निचले सतह पे ये सल्क रूपी जो है उदाहरण दिखाते हैं, जैसे लहसुन और प्याज में एक छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं, वो है छात्रों। अब अगला है पत्ती के रूपांतरण। छात्रों, अब हम आपको पत्ती के रूपांतरण बताने चल रहे हैं। तो पत्ती का जो रूपांतरण है, अब अगला पॉइंट है थर्ड, पत्ती, पत्ती, पत्तियों के रूपांतरण, पत्तियों के रूपांतरण। तो पत्तियों, अभी हम जड़, तना और पत्ती, जड़ का रूपांतरण बताया, अब तने का रूपांतरण हमने बता दिया, और अब जो है पत्तियों के रूपांतरण में हम आपको बताएंगे कि पत्तियां पर्व संधियों पर पाई जाती हैं, पर्व संधियों पर पाई जाती हैं। जब पत्ती के स्थान पर कोई संरचना बनती है तो वह पत्ती का रूपांतरण होती है। पत्ती के रूपांतरण निम्न प्रकार से होते हैं। पहला, पर्णफलक, दूसरा पर्णकंटक, दूसरा पर्ण प्रतान, और तीसरा है पर्णाभवृंत, और चौथा है आपका घट पर्णी, और पांचवा है आपका पर्ण थैली। तो छात्रों, ये पत्तियों के रूपांतरण है, पर्णकंटक, पर्णप्रतान, पर्णाभवृंत, घटपर्णी और पर्णथैली। तो अब यहाँ की बात ये आती है कि जो पत्तियों के रूपांतरण है, जैसे पर्णकंटक है, तो पर्णकंटक में इसमें पत्तियाँ काटों या सूलों में रूपांतरित हो जाती हैं। इसमें जो पत्तियाँ जो है सूलों में रूपांतरित हो जाती हैं, उदाहरण नागफनी, ये जो है आपके पूरी तरीके से इसमें पत्तियाँ कांटों या सूलों में रूपांतरित हो जाती है। जैसे नागफनी है तो नागफनी की पत्तियों में ही कांटे जो है पाए जाते हैं। सेकंड है पर्णप्रतान, तो जिसको हम लीफ टेंड्रिल कहते हैं, तो पर्णप्रतान में इसमें पत्तियां रूपांतरित होकर के लंबी, पतली, तारनुमा, कुंडलित रचना में बदल जाती हैं, जिसे प्रतान कहते हैं। ये प्रतान संवेदनशील होते हैं, और ज्यों ही वे किसी आधार के संपर्क में आते हैं चारों ओर लिपट जाते हैं। इस प्रकार के पौधों को आरोहण में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे अब ये आरोहण में सहायता प्रदान करेंगे, इसमें टेंड्रिल होता है, इस तरीके से अब इसमें जो उदाहरण है वो है मटर। तो मटर में क्या है, इस तरीके से टेंड्रिल बनते हैं। अब मटर है, लौकी है, कद्दू है, इन सब में पर्ण प्रतान पाए जाते हैं, जो जमीन को पकड़ने में सहायक होते हैं, जो टेंड्रिल, इस तरीके से टेंड्रिल, ये क्या है, टेंड्रिल बोलते हैं इसको। और ये पौधे जो भूमिगत तने होते हैं, वो जो पत्तियां होती हैं उसको आप एक तरीके से लपेट करके आगे की तरफ बढ़ते हैं पत्तियां। अगला है पर्णाभवृंत, चौथा। तो चौथा जो पर्णाभवृंत है, इसमें पर्णवृंत अथवा रैकिस का कुछ भाग
चपटा एवं हरा होकर के पर्णफलक जैसा रूप ग्रहण करता है। और इसका मेन एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन बबूल। ऑस्ट्रेलियन बबूल इसका उदाहरण है। ऑस्ट्रेलियन बबूल। अब अगला है घटपर्णी। तो घटपर्णी जो होता है वो इसमें पत्ती का पर्णाधार चौड़ा चपटा होता है। इसमें जो पत्तियां हैं चौड़ी और चपटी होती है। इसका जो उदाहरण है आपका वो घटपर्णी है। ये आपका घटपर्णी उदाहरण है इसका। अब अगला है पर्णथैली। तो छात्रों जो पर्णथैली की बात आती है तो ये अगला पॉइंट है। और इसमें पर्णथैली जो है वो मेनली यूट्रिकुलेरिया जैसे जलीय कीट भक्षी पौधों में होता है। यह आपके यूट्रिकुलेरिया पौधे होते हैं। और ये पूरी तरीके से पर्णथैली कारुबीय जलीय पौधे हैं। तो छात्रों हमने आपको आज जो है जड़ तना और पत्ती के रूपांतरण बताया। जैसे हमने आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि आपका जैसे तना है तो तने में पौधों के तने में पौधों की विशिष्ट जो है परिस्थिति के अनुसार जो है रूपांतरण होता है। जैसे आलू हुआ अरवी हुआ अदरक हुआ तो विशेष परिस्थिति में यह जो है भूमि के नीचे और थोड़ा ऊपर ये जो है तनों का रूपांतरण पूरी तरीके से भोजन को संग्रह जब कर लेते हैं तो वह एक तरीके से जो है कह सकते हैं कि भोजन लेकर के फूल जाता है। इसमें आपके तने में दो तरीके से रूपांतरण होता है, एक अर्धवायवीय रूपांतरण और दूसरा जो है भूमिगत रूपांतरण। तो जो आपके अर्धवायवीय रूपांतरण उसमें चार प्रकार हैं। आज जैसे भूप्रसारी इसका उदाहरण दूब घास, भूस्तारी स्ट्रॉबेरी, अंतःभूस्तारी पुदीना और भूस्तारी का जो है जलकुंभी। इसी तरीके तने के भूमिगत रूपांतरण है प्रकंद कंद घन कंद सलकंद। अब प्रकंद का उदाहरण अदरक है, कंद का उदाहरण आलू है, घन कंद का उदाहरण अरवी है, सलकंद का उदाहरण प्याज लहसुन है। इस तरीके से छात्रों हमने आपको जड़ों के रूपांतरण बताया और जड़ के साथ साथ जो है आपका पत्तियों के अब जड़ों का जैसे रूपांतरण है। जड़ों में आपके तीन तरीके से तर्क रूपी शंकु रूपी और कुंभ रूपी ये तीन तरीके से जड़ों का जो रूपांतरण होता है। जैसे अगर तर्क रूपी है तो मूली, शंकु रूपी है तो आपका गाजर और क्या कहते हैं और ये एक तीसरा है आपका कुंभ रूपी है तो वो शलजम होता है। अब तीनों का अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो छात्रों हमने आपको जो ये रूपांतरण और इसी तरीके पत्तियों को बताया कि पत्तियों के रूपांतरण में आपके पांच भाग होते हैं। पर्णकंटक जो कि पत्तियों में ही जो है कांटों का रूपांतरण होता है। पर्णप्रतान इसमें कुछ पौधों की पत्तियाँ जैसे मटर की पत्ती है, मटर की पत्तियों में जो है टेंड्रिल्स पाए जाते हैं जो कि चढ़ने के काम में जैसे किसी वस्तु को पकड़ने या जमीन को पकड़ने के काम में आएगा। और पर्णाव वृंथ होता है जिसमें ऑस्ट्रेलियन बबूल आता है और घटपर्णी है ये इसका उदाहरण। घटपर्णी और पर्णथली है इसका जो है उदाहरण यूट्रिकुलेरिया है। तो छात्रों आपको जो ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस रूपांतरण का जो है हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग भी है। और इनसे चाहे वो तना हो चाहे जड़ हो जो हम लोग भोजन के रूप में भी उसका उपयोग कर रहे हैं। छात्रों भोजन के रूप में अगर उपयोग कर रहे हैं तो उसके बाद जो है कह सकते हैं कि ये भोजन के साथ साथ अलग से भी इसका यूजेस हैं। तो इस तरीके से छात्रों आज का हमारा ये टॉपिक जो है वनस्पति जगत में तनों जो पौधों के कार्य और रूपांतरण थे ये ख़त्म होता है। धन्यवाद।